मैं हूं आप सभी के साथ फहीम खान। इस वक्त हम मौजूद हैं सीवान के पुलिस लाइन में और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से ये देखने में ये लग रहा है कि यहाँ पानी है और पानी के ऊपर जेसीबी चल रही है, लेकिन ये बताएं कि सुबह 10 बजे से सीवान के जिला अधिकारी अमित कुमार पांडे की तरफ से आदेश हुआ तो तमाम थाना से शराब को लाया जा रहा है, विनिष्टीकरण हो रहा है यहाँ पे और लगभग 50 लाख का शराब यहाँ पे उसे फोड़ा गया है, जो भी बोतल रखा गया है। लेकिन हम बताएं कि वो जो शराब के ऊपर रोलर चल रहा है तो वो रोलर जो है देखने में ये लग रहा है कि शराब के ऊपर नहीं, यहाँ के शराब माफियाओं के ऊपर चल रहा है, क्योंकि सिवान पुलिस जो है वो सख्ती से काम करती है। आए दिन आप देखे हैं कि मुफस्सिल थाना हुआ या फिर मैरवा थाना, जो भी यूपी से नज़दीक सिवान आने वाली गाड़ियाँ होती हैं, जैसे सूचना मिलता है सिवान पुलिस को कि इस गाड़ी में पूरा शराब भर के जा रहा है, तुरंत पुलिस सख्ती से काम करती है और छापेमारी कर गाड़ी को जब्त करती है। गाड़ियों में जो लोग मिलते हैं उन्हें लाल घर भेजने का भी काम होता है, आए दिन आप देखते हैं लाल घर यानी कि जेल भेजने का काम होता है और गाड़ियों को जब्त किया जाता है, शराब को मालखाने में रखा जाता है। लेकिन आज जिला अधिकारी अमित कुमार पांडे की तरफ से आदेश हुआ और सिवान के हर एक थाना से यहाँ शराब आ रहा है जिसे नष्ट किया जा रहा है। आपको बताया कि लगभग सुबह 10 बजे से 50 लाख का शराब को यहाँ पे तोड़ा गया है, लेकिन बताया कि तब भी जो शराब माफिया है वो छुप के काम करते रहते हैं, लेकिन सिवान पुलिस जो है वो भी सख्ती से काम करती है और आए दिन गाड़ियों को जब्त करती है। डीएसपी साहब है सिवान के, इनसे भी बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी आपके चैनल को धन्यवाद। यहाँ पे सुबह 10 बजे से शराब के बोतलों को तोड़ा जा रहा है, विनिष्टीकरण हो रहा है, लगभग कितने लागत की शराब को फोड़ा गया अभी तक? जैसा कि हमारे उत्पाद विभाग के उपलब्ध इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि लगभग 50 लाख की शराब का विनिष्टीकरण हो चुका है। डीएम सर के आदेश अनुसार आज निर्धारित था कुल 195 मामलों में विनिष्टीकरण, जिसमें 53 मामले उत्पाद विभाग से संबंधित और बाकी रेस्ट 142 मामले विभिन्न थानों से संबंधित मामले थे। अभी किन थानों से यहाँ पे शराब का गाड़ी नहीं पहुँचा हुआ है और लगभग सिवान के तमाम थानों से गाड़ियाँ आ रही हैं? अभी हम लोग मैक्सिमम जो था जी वो मैक्सिमम लोग आए हैं, अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कुछ रास्ते में होने की सूचना है जी, देख लेते हैं कि वो आ पाते हैं या कोई और कारण हो जाता है। चलिए देखिए हमारे साथ यहाँ उत्पाद विभाग के अधिकारी भी, हम उनसे भी बात करेंगे और सटीक जानकारी भी लेंगे उनसे कि किस तरह की यहाँ पे ये सुबह से शराब की बोतलों को तोड़ा जा रहा है और बताएं कि ये अगर देखने में बताएं कि ये शराब के बोतलों को नहीं, शायद यहाँ के शराब माफियाओं के कमर को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि पूरा एक पानी से लबालब हो चुका है, जो कि शराब जो है उससे लबालब हो चुका है यहाँ की जमीन। हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे लेकिन वो कॉल पे थोड़ा सा बिजी हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि अभी यहाँ पे कितने शराब तोड़े गए हैं। डीएसपी साहब ने जैसे बताया कि 50 लाख से ऊपर के शराब को यहाँ तोड़ा गया है, नष्ट किया गया है, ठीक है। तो अभी हम बताएं यहाँ पे हमारे साथ उत्पाद विभाग के अधिकारी भी, उनसे ही बात करेंगे। सर सुबह से यहाँ विनिष्टीकरण हो रहा है, लगभग कितने गाड़ियाँ आ चुकी हैं और कितने लाख के शराब को यहाँ तोड़ा गया अभी तक? दसों गाड़ियाँ आ चुकी हैं, दर्जनों गाड़ियाँ आ चुकी हैं और उनसे अलग अलग थानों से आ रहा है, जो जब्त किया गया शराब है वो आ रहा है। चलिए तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पे आगे गाड़ी लगी हुई है, उत्पाद विभाग से भी कुछ गाड़ियाँ आई हैं, आगे जो गाड़ी लगी हुई है मुफस्सिल थाने से आई है और आए दिन आप देखते हैं मुफस्सिल थाना जो है वो सुर्खियों में रहता है और आए दिन गाड़ियों को जब्त करता है और गाड़ियों में लोग पकड़े जाते हैं उन्हें लाल घर भी भेजा जाता है, गाड़ियाँ जब्त की जाती हैं और शराब को जब्त करके मालखाने में रखा जाता है और जब सिवान के अधिकारी जिला अधिकारियों की तरफ से आदेश आता है तो उस शराब को विनिष्टीकरण किया जाता है और यही जगह पे किया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ अपने सहयोगी कैमरामैन जावेद के साथ, फहीम, न्यूज़ इंडिया तक, सिवान।